उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ एंटी रोमियो लग गया इसलिए आजकल दिल्ली में रहना पड़ता है। जब मैंने योगी जी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं उठा पाए वो तुम्हें कैसे उठाने दे। ताली वाली बजाते रहे आप लोग। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा मोहित भाई का एक इतना अच्छा प्रांगण तैयार करने के लिए और जिसमें हम जैसे कलमकार आ रहे हैं अपनी कविता सुना रहे हैं। सलोनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, या ये कहें कि इस कार्यक्रम के जो दुल्हा हैं अमन गुप्ता जी, इनके लिए भरपूर तालियां हो जाए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों चुनाव चल रहा था तो चार पार्टी के लोग बैठे हुए थे। एक सपा के भाई साहब थे, एक बसपा के भाई साहब थे, कांग्रेस के थे, एक भाजपा के थे। सपा वाले ने कहा साइकिल के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावें। बसपा वाले ने कहा हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावें। कांग्रेस ने कहा हाथ के पंजे वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावें। भाजपा वालों ने कहा बटन कहीं भी दबाओ जीतेंगे तो हम ही। ये सब चीज़ें चुनाव में चलती रहती हैं। गाने भी कई प्रकार के आए। एक गाना आया साजन मेरा उस पार है, तभी कुणाल भाई ने कहा कि मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है इसलिए उस पार है। एक लड़का लड़की जा रहे थे तो लड़की को देख के लड़का गा रहा है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। तभी लड़की ने कहा कि जब चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर जाते हो तो ये कमजोरी का लक्षण है, पहले डॉक्टर को दिखाओ फिर मोहब्बत में झंडा झुकाओ। ताली वाली बजाते रहे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जहां जहां से जो जो पंक्तियां मुझे याद आएंगी देश प्रेम की भी मैं कुछ बात करूंगा। चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि अब आंसू भी आंखों से बहता नहीं है, अब आंसू भी आंखों से बहता नहीं है, अगर आ भी जाए तो रहता नहीं है। अब आंसू भी आंखों से बहता नहीं है, अगर आ भी जाए तो रहता नहीं है। तुम ही कह दो बस मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम ही कह दो बस मैं तुम्हें चाहता हूं, कोई मुझसे इतना भी कहता नहीं है, कोई मुझसे इतना भी कहता नहीं है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि एक आशिक आप सबके अंदर बैठा हुआ है ना। मैं आप मुझे पता है मेरा और आपका मुख्य विषय प्रेम है तो मैं प्रेम की ही बातें करूँगा। चार पंक्तियाँ सुनिएगा, आप सबको समर्पित है। कि तुमको खोने में और पाने में, तुमको खोने में और पाने में, अपनी तकदीर को बनाने में, अपनी तकदीर को बनाने में, जो जमाना किसी का दुश्मन हो, जो जमाना किसी का दुश्मन हो, आग लग जाए उस जमाने में, आग लग जाए उस जमाने में। बहुत बहुत आभार। और चार पंक्तियां सुनिएगा। कि जो बहुत है जटिल बताता है, आह करना अच्छे से करो। कि जो बहुत है जटिल बताता है, उनके चेहरे का तिल बताता है, उनके चेहरे का तिल बताता है, होठ उनके तो कुछ नहीं कहते, वो मेरा है ये दिल बताता है, वो मेरा है ये दिल बताता है। और चार पंक्तियां सुनिएगा। बहुत अच्छा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। कैमरामैन का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा। कैमरामैन वही बनता है जिनको बचपन से ही दूसरों के घर में ताकने झांकने की आदत होती है। एक बार इन लोग के लिए भी भरपूर तालियां आपकी हो जाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हीं लोग से हम हैं और हमसे ये हैं। और चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, आपके लिए समर्पित है। कि जो नशा है उतार लो पहले। आइए, आप जल्दी आए, हम पहले शुरू हो गए इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। कि जो नशा है उतार लो पहले, ऐब जितने हैं मार लो पहले, ऐब जितने हैं मार लो पहले, हैसियत से भी प्यार मिलता है, हैसियत से भी प्यार मिलता है, कैरियर को सवार लो पहले, कैरियर को सवार लो पहले। और चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि तेरे तेरे होठों पे कंप कपाहट है,
मेरी आंखों में छटपटाहट है, मेरी आंखों में छटपटाहट है, कोई नेटवर्क मिल नहीं पाया, इसलिए प्यार में रुकावट है, इसलिए प्यार में रुकावट है। जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनके प्यार में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, वो लोग भी ताली वाली बजाते रहे। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, तो पति ने कहा कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पास दूर दूर के रिश्ते आते थे। पत्नी भी उत्तर प्रदेश की बोली कि तो नज़दीक वाले तुम्हारे लक्षण जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पति पत्नी आपस में बैठे हुए थे, तो आजकल कुछ 3-4 साल से प्लाजो का ट्रेंड बहुत मार्केट में आ गया है। तो पति पत्नी बैठे हुए थे, तो पत्नी ने पति से कहा मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति भी उत्तर प्रदेश का अपने पिताजी के 36 इंची मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। उस दिन से पिताजी पैजामा खोजते हुए नहीं थक रहे हैं, पत्नी के खुशी के मारे नहीं थक रही, और पति एक कोने में बैठ के हंसते हुए नहीं थक रहा है। तो आप थोड़ा ताली वाली इधर से भी बजाते रहें, आप भाई साहब इधर से भी आवाज़ें आती रहें। मैं और पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माइक बहुत अच्छा है, स्टूडियो बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा मैं आप लोग की चापलूसी नहीं कर सकता। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिए। कि जब भी दर्द होता है, जब भी दर्द होता है और आह भरते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं। और जो सच्चे आशिक हैं, जो सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये लाइन, ये शेर उनके लिए है कि जब भी दर्द होता है और आह भरते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं, फरवरी महीने का इंतजार क्या करना, फरवरी महीने का इंतजार क्या करना, हम तो हर महीने में तुमसे प्यार करते हैं, हम तो हर महीने में तुमसे प्यार करते हैं। और हिंदी का कवि हूँ, मंचों पे हिंदी की कविताएं, हिंदी कवि सम्मेलनों में जाना आना होता है। मैं कुछ पंक्तियां वहां से आप सबको निवेदित करता हूँ, कुछ लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, उनको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि नहीं सींचोगे तो हर एक पत्ता टूट जाएगा, नहीं सींचोगे तो हर एक पत्ता टूट जाएगा, ये पतझड़ इश्क की कलियों को आकर के सताएगा, ये पतझड़ इश्क की कलियों को आकर के सताएगा, तुम्हारा प्रेम ऐसा है जिसे एक बार मिल जाए, तुम्हारा प्रेम ऐसा है जिसे एक बार मिल जाए, वो तुमसे दूर होकर भी दोबारा लौट आएगा, वो तुमसे दूर होकर भी दोबारा लौट आएगा। और 4 पंक्तियां सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, कुछ नई पंक्तियां आप सबके बीच में निवेदित करता हूं, सुनिएगा। वो तुमसे दूर होकर भी दोबारा लौट आएगा। और कुछ पंक्तियां और प्रेम से और इन्हीं बंध से, इसी से रिलेटेड आप सबके बीच में मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। नई पंक्तियां हैं, कोरोना काल के बाद कई बार पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर की भी बात चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, नहीं मिल रहा है देखने को। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सुनिएगा। उसके बाद एक गीत आप सबके बीच में रखूंगा, जैसा कि मुझे आदेश मिला है, और वो गीत भी आप सबके बीच में मैं रखूंगा, सुनिएगा। कि अब नजारों का मौसम
नहीं आएगा, अब नजारों का मौसम नहीं आएगा, चांद तारों का मौसम नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप लोग बोलिए कि अब नजारों का मौसम नहीं आएगा, चांद तारों का मौसम नहीं आएगा, आपका आगमन जब हुआ ही नहीं, फिर बहारों का मौसम नहीं आएगा, फिर बहारों का मौसम नहीं आएगा, बाग में फूल तोड़ा तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हारे लिए करना है, बाग में फूल तोड़ा तुम्हारे लिए, तोड़ कर खुद को जोड़ा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए लोग विपरीत थे, मैंने सबको ही छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने सबको ही छोड़ा तुम्हारे लिए। और एक गीत आप सबके बीच में निवेदित करता हूं, सुनिएगा और शब्दों के साथ सफर करिएगा। गीत है एक दो, पहली बार मैंने अपने साहित्य ओपन माइक में मैंने सुनाया था, और उसके बाद मैं आप सबके बीच में पढ़ता हूँ। कुणाल भाई सुनते आ रहे हैं, निकिता हैं यहाँ पे, उनसे भी साहित्य में मुलाकात पहली बार हुई थी, और तमाम लोग हैं जिनसे मैं मिला भी हूँ, शिवम हैं और अमन भाई से तो पहली बार ही मुलाकात हो रही है। एक गीत आप सबके बीच में रखता हूँ और मुझे लगता है कि आप सब बहुत दिल से जुड़ेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, मेरी उम्मीद है ऐसी। और मोहित भाई सुनिएगा, आपको आप काफ़ी गहन अध्ययन में लगे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि आप भी अपने समय में, समय तो आपका ही चल रहा है, प्यार बहुत डूब के आपने भी किया होगा, तो आपको ये गीत समर्पित मैं कर रहा हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे प्यार का एक आसमान छूने में, तुम्हारे प्यार का एक आसमान छूने में, वो रात बीत गई आंसुओं के घेरे में, तुम्हारे प्यार का एक आसमान छूने में, वो रात बीत गई आंसुओं के घेरे में, कोई भी राह उजालों ने दिखाई ही नहीं, कोई भी राह उजालों में दिखाई ही नहीं, मैं बहुत टूट गया खो गया अंधेरे में, तुम्हारे प्यार का एक आसमान छूने में, वो रात बीत गई आंसुओं के घेरे में। और गीत का पहला बंद आप सब सुनिएगा। किसी भी रंग का एहसास कुछ हुआ ही नहीं, किसी भी रंग का एहसास कुछ हुआ ही नहीं, मेरे एहसास को तुमने कभी छुआ ही नहीं, किसी भी रंग का एहसास कुछ हुआ ही नहीं, मेरे एहसास को तुमने कभी छुआ ही नहीं, दुआएं कर रहा हूँ मैं तेरे लिए, लेकिन तेरे लबों पे मेरे वास्ते दुआ ही नहीं। कभी तो भोर बनके, कभी तो भोर बनके आ मेरे सवेरे में, कभी तो भोर बनके आ मेरे सवेरे में, वो रात बीत गई आंसुओं के घेरे में, तुम्हारे प्यार का एक आसमान छूने में, वो रात बीत गई आंसुओं के घेरे में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।